सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। ई बायोटोरियम परिवार में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक प्रश्न जो अक्सर मीटिंग्स में आता है या लोग कॉल करते रहते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को, जो बायोमेट्रिक्स प्रोडक्ट है, इसको हम मान लीजिए हमने ले लिया और लेने का हम इस पर सोने लगे, तो आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण हम बहुत सारे रोगों से अपनी बचत कर पाते हैं, या अगर हम रोगी हैं तो हम जल्दी जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो आज मैं आप इसी विषय के ऊपर थोड़ा गंभीरता से प्रकाश डालता हूं, सभी लोग ध्यान देकर इस चीज को समझने का प्रयास करें। देखिए, जो हमारा बायो मैट्रस वाला प्रोडक्ट है, इसमें एक बात है जो बार बार सुनने समझने आप लोगों को मिलती होगी, जिस भी मीटिंग में आप बैठते होंगे या जो कोई व्यक्ति विशेष आपको बताता होगा, जब भी आप हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर सोना शुरू करेंगे तो आपकी एक चीज ठीक हो जाती है, जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, ये बात आप सभी लोगों से बार बार सुनते होंगे। और एक बात और आप सुनते होंगे कि ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही लगभग 90% रोग या 90% से ज्यादा रोग आपके शरीर में जो होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन ही होता है, जब वो असंतुलित हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित कर देता है। इस संतुलन के कारण कुछ चीजें परिघटित होती हैं हमारे शरीर के अंदर, और उन परिघटनाओं में जो सबसे पहली घटना है वह होती है हमारी बॉडी के अंदर हमारा ऑक्सीजन लेवल उच्च हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाता है। सबसे पहला काम हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ, और ब्लड सर्कुलेशन के बाद जो सबसे दूसरा और पहला काम होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन लेवल का ठीक हो जाना। और जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है तो बहुत सारी चीजें आपके शरीर के अंदर सकारात्मक रूप से परिवर्तित होने लगती हैं, आपकी बॉडी संतुलित होने लगती है। ऑक्सीजन का कितना बड़ा महत्व है, ये अभी मई माह में हम सब लोगों ने दिया, पूरा भारत ऑक्सीजन के लिए भाग रहा था, बहुत महंगी महंगी ऑक्सीजन बिक रही थी, बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन के चले गए, ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पाए। और उसी दौरान जब हमने अपने बायोमेट्रिक्स प्रोडक्ट का प्रयोग किया बहुत सारे लोगों के ऊपर जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था, एक एक दिन में उनके ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे हुए और उनको किसी गैस सिलेंडर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे भारत के अंदर। इसके बाद दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपके शरीर के अंदर परिघटित होती है, जिसको हम कहते हैं बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी। बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ये माना जाता है, ये कहा जाता है, यह बताया जाता है कि आपका शरीर भी एक निश्चित मात्रा में करंट को पैदा करता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और हम हर अंग को एक निश्चित मात्रा में करंट चाहिए होता है। जब यह करंट किसी अंग विशेष में जितना चाहिए उससे कम हो जाता है तो वो अंग पीड़ित होने लगता है, वो अंग की कार्य क्षमता घटने लगती है। जब उस अंग की कार्य क्षमता घटने लगती है तो उस अंग से संबंधित रोग आपके शरीर के अंदर परिघटित होने लगते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं, आप उससे पीड़ित होने लगते हैं। हार्ट को मान लीजिए जितनी मात्रा में बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, करंट चाहिए, उतना नहीं मिल रहा, हृदय से संबंधित रोग हो जाएंगे, आंखों को नहीं मिल पा रहा, आंखों से संबंधित रोग हो जाएंगे, पैंक्रियास को नहीं मिल रहा तो शुगर जैसे रोग हो जाएंगे, लीवर को नहीं मिल रहा तो बहुत सारे डिसऑर्डर बॉडी के अंदर पैदा हो जाएंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज इस प्रोडक्ट के ऊपर सोने से कि आपको बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रॉपर मिलने लगती है। अब इसके साथ एक तीसरी चीज और होती है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है ग्लैंड्स। जब आप इस प्रोडक्ट के ऊपर सोते हैं तो आपके ग्लैंड्स भी ठीक ठाक होने लगते हैं, संतुलित होने लगते हैं और सही मात्रा में हार्मोन्स को सिक्रीट कर लेते हैं, सही मात्रा में हार्मोन्स को स्रावित करने लगते हैं, जिसका अपना एक अलग इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि एक जो मानव का पूरा तंत्र है, मान लीजिए ये मानव का मस्तिष्क है और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है,
तो सबसे ऊपर यहां पर जो होता है सहस्रार चक्र होता है मनुष्य के शरीर में, यहां बिल्कुल सहस्रार चक्र होता है, और उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहां कहीं पर जो स्थिति होती है वो आज्ञा चक्र की होती है। और यहां दो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम पिनियल ग्लैंड कहते हैं, एक उसमें से जो ग्लैंड है उसका नाम है पिनियल ग्लैंड और दूसरे का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात जान लीजिए, आपके अंदर जो साहस है, आपके अंदर जो कटुता आती है, आपके अंदर जो क्रोध आता है, आपके अंदर जो सेक्स के भाव पैदा होते हैं, आपके अंदर जो भी सोच समझ बहुत सारी परिघटनाएं जो घटित होती है उसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरीके से नींद से भी आपका जो रिलेशन है वो किसी ना किसी हार्मोन से रिलेटेड है। तो ऐसे हार्मोन जो नींद को प्रभावित करते हैं और बहुत सारी चीजों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मैं नींद के ऊपर इसलिए विशेष रूप से जोर दे रहा हूं क्योंकि इस मैट्रेस को सोने के बाद आपको नींद बहुत बेहतर आती है, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं जो मैंने आज्ञा चक्र में स्थित है इन ग्लैंड से बताया। इसके बाद आप अगर गले पे आ जाते हैं तो यहां विशुद्धि चक्र कहलाता है, भारतीय परंपरा में इसको विशुद्धि चक्र की संज्ञा प्रदान की गई है। और यहाँ पे दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं फिर थोड़ा ऊपर नीचे, एक को हम थायराइड कहते हैं, एक को पैराथायराइड, एक को हम थायराइड कहते हैं और एक ग्लैंड और है पैराथायराइड, शायद मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज कर रहा हूं। तो यहां पर वो दो ग्लैंड है, अगर ये ग्लैंड के अंदर कोई कमी हो जाती है तो हार्मोन बहुत सारे असंतुलित होते हैं। और आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं और वो जिंदगी भर एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर चलते हैं, और जब वो एलोपैथिक दवाइयां निरंतर खाते हैं तो उसके दुष्परिणाम सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों पर मैंने देखे कि खासतौर से पैरों में सूजन रहने लगती है और कई प्रकार के इफेक्ट बॉडी के ऊपर देखने और समझने में आते हैं। इससे नीचे जब हम आ जाते हैं तो हम अपने हृदय पे आ जाते हैं और इसको अनाहत चक्र कहते हैं भारतीय परंपरा के अंतर्गत। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ग्लैंड है वो थाइमस है जो रोग प्रतिरोध क्षमता के ऊपर कार्य करता है। जब ये ग्लैंड कमजोर हो जाता है तो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे अभी हम नीचे और आ जाते हैं तो आपकी नाभि आती है, यहाँ पर भारतीय परंपरा में इसे मणिपुर चक्र की संज्ञा प्रदान की जाती है और इसका संबंध दो महत्वपूर्ण ग्रंथियों से होता है, एक को हम पैंक्रियास के नाम से जानते हैं, एक को लीवर के नाम से जानते हैं। पैंक्रियास खराब हो जाता है, शुगर संबंधित रोग आपको हो जाते हैं और लीवर बहुत सारे डिसऑर्डर बॉडी के अंदर पैदा हो सकते हैं आपके। इसे थोड़ा और नीचे आ जाते हैं और जननांगों से थोड़ा ऊपर चार अंगों नीचे, यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र है भारतीय परंपरा में इस जगह का नाम, और यहाँ पे एंड्रिनल ग्लैंड होता है। अक्सर ये देखा गया है कई बार लोग क्रोध के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो एंड्रिनल ग्लैंड है ये उसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जहां पर हमारे जननांग होते हैं, यहाँ एक ओवरी ग्लैंड होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। अक्सर आपने ये देखा होगा, समझा होगा और सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो माता पिता नहीं बन पाए थे और इस मैट्रेस पर उन्होंने सोना शुरू किया, तो उसमें से कुछ लोग या कई लोग, क्योंकि कई लोगों से मैं सुन चुका हूं कि लंबे समय से वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे, जब से उन्होंने मैट्रेस का प्रयोग किया तो वो माता पिता बन पाए। उसका एक कारण यह हो सकता है कि जब वो इसके ऊपर सोते हैं तो उनके ये दोनों ग्लैंड जो कि जनन से संबंध रखते हैं उनके अंदर अगर कोई कमी रही होगी तो वो अपने आप धीरे धीरे एक्टिव होते हैं और वो ठीक होती है और माता पिता बन जाता है वो पुरुष और महिला जो अभी तक संतान को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अगर इस ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम है, इस ग्रंथि के कारण वो माता पिता नहीं बन पा रहे। तो इस प्रकार वैसे बहुत सारी ग्रंथियां बहुत सारा काम करती हैं आपके शरीर में, लेकिन मैंने बहुत सूक्ष्म में कुछ मोटी मोटी बातें आपको इससे संबंधित बताई। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज हमारे शरीर में पाई जाती है, कोई भी ये ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है और ये आभा मंडल दो लेयर्स में होता है, एक कुछ इंच तक काम करता है मनुष्य बॉडी के चारों तरफ और एक कुछ दूर तक काम करता है। ये आभा मंडल हर मनुष्य के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों चीजों के अंदर पाया जाता है और ये आपको प्रोटेक्ट करता है, कई प्रकार के वायरस से प्रोटेक्ट करता है, असंतुलनों से प्रोटेक्ट करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रोटेक्ट करता है। आपने गांव देहातों में अक्सर देखा भी होगा जब
ओझाओं को देखा होगा आपने, वो मनुष्य के शरीर के चारों तरफ एक झाड़ा लगाते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कई बार बच्चा किसी शमशान के पास से गुजरा या कहीं जगह से बहुत रो रहा है, उसके ऊपर हमने झाड़ा लगाया और हनुमान चालीसा पढ़ी और थोड़ी देर में बच्चा एकदम चुप हो जाता है। इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और ये करते हैं और ऐसा एकदम विद इन अ सेकंड परिघटित होता है लोगों के घर के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या होता है कि आपके ओरा के अंदर कुछ चीजें उलझ जाती हैं। आपने देखा होगा आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, किसी घर में जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलते हैं आपका मन करता है यहां से चले जाओ, इसके बाद बैठना ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका ओरा बहुत ज्यादा असंतुलित है। कई बार आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, परेशान होने के बाद घर आते हैं और आप नल के नीचे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर आप नहाते हैं आप बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि आपके जो हवामंडल में जो असंतुलन था वो दूर हो गया है, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगता है। ये आज तो बहुत ऐसे कैमरे भी मौजूद हैं जिसके अंदर आप इस आभामंडल को चेक कर सकते हैं, और इस आभामंडल को चेक कर कर 2-3 महीना पहले ही आप ऐसा एहसास कर लेंगे कि ये मनुष्य किसी ना किसी विशेष रोग से ग्रसित होने वाला है, क्योंकि आभामंडल में एक विशेष प्रकार का बदलाव होने लगता है। तो जब आप इस मैट्रेस के ऊपर निरंतर सोते हैं तो एक लाभ आपको ये मिलता है कि आपका आभामंडल भी ठीक होने लगता है, और ये भी टेस्टेड चीज है, हमारी कंपनी ने इस चीज को भी टेस्ट किया हुआ है कि जब इस पर कोई निरंतर सोता है तो उसका आभामंडल बड़ा बेहतर हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण मैंने बताया, जैसे ही आप इस मैट्रेस के ऊपर सोना शुरू करते हैं तो सोने के साथ ही पहला आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, दूसरा आपको बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी प्रॉपर होती है, आपके ग्लैंड्स संतुलित होते हैं, आपका आभामंडल ठीक होता है, और पांचवा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो इन्हीं कारणों में से निकल के आता है, आप बेहतर तरीके से सोने लगते हैं, और जब आप बेहतर नींद लेने लगते हैं तो आपको लाभ यह मिलता है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके शरीर की रिकवरी होती है, आपको कॉस्मिक एनर्जी उसी समय प्राप्त होती है। ध्यान में कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है या गहरी नींद में प्राप्त होती है, दुर्भाग्य से अधिकांश लोग गहरी नींद लेना ही भूल गए हैं, 12-1 बजे सोते हैं तो गहरी नींद आ ही नहीं पाती है, जिसके कारण बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते हैं। तो एक वह व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है इस प्रोडक्ट का प्रयोग करता है, आसानी से गंभीर रोगों के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला है, अगर वो निरंतर प्रयोग कर रहा है तो, और अगर ग्रसित है तो उसके समय और धन दोनों की बचत होने वाली है, क्योंकि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, जब भी जहां वो इलाज करा रहा होगा वो इलाज उसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेगा, उसको उसकी रिकवरी करने में वह इलाज जिस भी पद्धति का वो इलाज कर रहा होगा वो इलाज उसके ऊपर बहुत बेहतर बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद है जो हम आपको धीरे धीरे करके अपनी वीडियोस के अंदर प्रस्तुत करते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने अभी फिलहाल इतनी जानकारी दी है, यही जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहे, आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।